अहमदाबाद के राजेश्वर अस्पताल में आज तड़के सुबह जो बेसमेंट है उसमें आग लगी, जिसकी वजह से जो है फायर ब्रिगेड की दमकल की जो है 30 से ज़्यादा गाड़ियां यहां पे पहुंची थी और आग पे काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो पूरा घटनाक्रम था, बेसमेंट जो है ये अस्पताल है, राजस्थान अस्पताल जो अहमदाबाद शहर के बीचों बीच आया हुआ है, शाहीबाग इलाके में ये अस्पताल है और ये पुराना अस्पताल है जहाँ पे बेसमेंट में ये भीषण आग लगी थी, हादसा हुआ था। जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो बेसमेंट में फर्नीचर और जो कागज़ थे उसके अंदर आग लगी और जिसकी वजह से जो है ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट का ग्राउंड फ्लोर जो है और उसके नीचे का एक फ्लोर, दो फ्लोर पे ये आग की जो असर है वो देखने को मिल रही है। अभी भी फायर ब्रिगेड के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि ये आग फैले नहीं और आग पे पूरी तरह काबू पाया जाए, क्योंकि बेसमेंट में आग लगी होने के कारण फायर ब्रिगेड के या दमकल के जो अधिकारी हैं वो भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं और उनके द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एहतियातन तौर पे हॉस्पिटल के 100 से ज़्यादा दर्दी थे जिनको दूसरी जगह पे मूव किया गया है, जो इमरजेंसी केस थे उनको भी मूव किया गया है। पूरी तरह से सारी प्रशासनिक जो जवाब जिम्मेदारी थी वो ले ली गई और पूरी तरह से कोशिश की गई है कि किसी को भी कोई नुकसान ना हो और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अभी कोई हताहत की खबर नहीं है, पर अभी भी फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी जो है यहाँ पे मौजूद हैं और वो पूरी तरह से जो एरिया है उसको क्लियर करने में लगे हुए हैं। आग सुबह 4 बजे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फायर कंट्रोल रूम में कॉल मिला कि भाई ऐसे राजस्थान हॉस्पिटल के सेकंड बेसमेंट में आग लगी है। जैसे ही ये सेकंड बेसमेंट का सुनते ही हमने 2 अधिकारी और 4 गाड़ियां घटनास्थल पर छोड़ दिया था और वो जैसे ही आए तो उनको पता चला कि भाई धुआँ बहुत है, सेकंड बेसमेंट में आग है। तो इन लोगों ने हमको मैसेज दिया तो हम लोग भी यहाँ आ गए और टोटल धीरे धीरे करके 31 गाड़ियाँ यहाँ घटनास्थल पर बुला लिए। देखो, आग सेकंड बेसमेंट में थी, हॉस्पिटल में आग थी नहीं। हॉस्पिटल में हमने जो पेशेंट को शिफ्ट किया है वो सेफ्टी के लिए, कि अगर कुछ धुआं ज़्यादा बढ़ जाता है और हॉस्पिटल में घुस जाए तो उस टाइम पर कुछ ऐसे ही भागा दौड़ी ना हो, इसलिए हमने उनके जितने भी पेशेंट थे उनको शिफ्ट कर दिया है। सिस्टम वो सब थी, मगर इन लोगों ने बेसमेंट के अंदर रिनोवेशन करते थे, जो हॉस्पिटल का रिनोवेशन का काम चल रहा था तो पूरा जो वेस्ट मटेरियल था वो भर दिया था अंदर, इसकी वजह से बहुत सारा धुआं दोनों बेसमेंट में भर गया है। कुछ प्राथमिक वजह सामने आई नहीं है, क्योंकि आग तक पहुंचना ही इतना मुश्किल था कि जब हम आए तो सेकंड बेज में आग लगी थी, तो किस तरह से आग लगी, क्या आग लगी, कैसे लगी, वो सब अब FSL के रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। राजस्थान हॉस्पिटल में आज वहली सवारे लगभग 4:15 ना आजूबाजू आग लागवाना किस्सा थयेला, अने तरतज जे फायर ब्रिगेडनी टीमों अने पुलिसना अधिकारीओ स्थल पर आवी गया हता। राजस्थान हॉस्पिटल में त्यारे 107 दर्दीओ एडमिट हता, आमांथी 7 जे छे ICU में हता। बधा दर्दीओने अहींयाथी सुरक्षित खसेड़ी दीधा छे અને બીજા હોસ્પિટલોમાં આ તમામ દર્દીઓની સારવાર ચાલી રહી છે। આ ઉપરાંત જે આગ છે એ હોસ્પિટલના બીજા નંબરના બેસમેન્ટ એટલે સેકન્ડ બેસમેન્ટ છે આમાં લાગેલી છે। ત્યાં થોડું કાટમાલ અને અન્ય સામાન સાથે ગાડીઓ પણ ત્યાં છે। ફાયર બ્રિગેડની ટીમો સતત મહેનત કરી રહી છે અને આગ ઓળવાના પ્રયાસો ચાલુ છે। ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીઓનું કહેવાનું છે કે લગભગ 1.5 થી 2 કલાકમાં આ ફાયર ઉપર અંકુશ આવી જશે। બીજી એક વસ્તુ છે કે જે જનહાનિ છે એ કોઈ નથી, એ બહુ સદભાગ્યની વાત છે। આજુબાજુના વિસ્તારોમાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ નહીં થાય તેના માટે અમે આજુબાજુના જે રહેણાંક વિસ્તારો છે એને અહીંયાથી સુરક્ષિત રીતે ખસેડી દીધા છે। આજુબાજુમાં જે એકબીજા જે કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગો છે એને પણ અત્યારે પોતાની ગતિવિધિઓ સાવચેતીના ભાગરૂપે બંધ રાખવા માટે કીધું છે, એટલે બચાવ કામગીરી તમામ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને આગ ઓલવવાની કામગીરી અત્યારે ચાલુ છે। જે આગ ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીઓ જણાવવા પ્રમાણે હાલમાં કંટ્રોલમાં છે અને 1.5 કલાકમાં એને સંપૂર્ણ રીતે ઓલવી દેવામાં આવશે। આ પોલીસમાં કઈ રીતે આ થયું છે એ અમે જોશું અને કારણો આગ લાગવાના જે છે એ શોધવામાં આવશે। અમે આમાં FSLની જે ટીમો છે એનું પણ પૂરું ઉપયોગ કરવાના છીએ।